अरे सोनियो, आप ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? क्यों मिस्टर सूर्यवंशी सिंह, ठीक नहीं लग रहा हूं? नहीं, आप बहुत अच्छी लग रहे हैं। लेकिन ये सब किस लिए? आज मैं अपने घर गया था। घर? अभी मिला? कैसा है वो? बिल्कुल ठीक है, बदल गया है थोड़ा अपने डैडी की तरह। तुम्हें ने बदला है ना हम दोनों को, तुम उसे देखना चाहोगे? परवरिश का नतीजा है शरद। झिझक सी है कोई हल्की, कोई पर्दा है झीना सा, शर्म की है रंगत हल्की, हया का है रंग हल्का सा। ख्वाहिशों की जन्नतों में आप अपने संग ले जाएं हमें, हर उलझन को सुलझाएं, कसक मीठी सी दे जाएं, आखिर दिल है ना, दिल है शीला, शीला कहाँ चली गई? हम सबसे दुनिया चाहे जो कहे, शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। भाभी, चोरी छुपे मेरा मोबाइल चेक कर रही थी आप। जरा से भी तमीज नहीं है आपको कि इस तरह किसी के पीछे उसका मोबाइल चेक नहीं करते? ननंद पर जासूसी करना, क्या यही सीखा आपने अपने टीवी सीरियल से? मेरे ख्याल से टीवी तो तुमने भी बहुत देखा है शीला, लेकिन बड़ों से बात कैसे की जाती है ये तमीज तुम भूल गई हो। और ये क्या है तुम्हारे फोन में? रोहन के इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, जो इंसान तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, तुम उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो? पागल हो गई हो तुम? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी। एक तरफ तुम्हारा भाई है जो हर वक्त शीला शीला शीला, तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। शीला, तुम
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हारे भाई के ऊपर क्या बीतेगी? तब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बहन क्या कुल खिला रही है। देखो शीला, तुम अच्छे से रोहन की असलियत जानती हो, तुम भुगत चुकी हो सब कुछ। प्लीज वो भूल दोबारा मत दोहराओ, उसके जान में मत फंसो। बस करो भाभी, मेरा भला बुरा समझाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अरे तंग आ गई हूं मैं आप लोगों से, ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो वैसे मत करो, बच्ची नहीं हूं मैं। बच्ची नहीं हूं तो रोहन के चक्कर में क्यों पड़ी हूं? तुम अच्छे से जानती हो कि उसकी असलियत क्या है, और मुझे तो लगता है कि रोहन नहीं काजल का खून। काजल काजल काजल, जब वो जिंदा थी तब भी मुझे परेशान कर रही थी, मरने के बाद भी यहाँ पर वो मनहूसियत फैला कर गई है। अच्छा हुआ जो कि वो मर गई, जिसने भी उसका खून किया है ना, बहुत अच्छा किया। क्या बात है शीला, काजल का खून करने वाले से इतनी हमदर्दी क्यों? मैं तुमसे बता रही हूँ शीला, काजल के खून से अगर तुम खुश हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शीला अब भी टाइम में संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगी तुम। लेकिन भाभी आप बस आई लव यू सरिता। मैं साबित करूं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मां कहां है? देखा, आपने साबित कर दिया कि आप मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं है। एक मिनट एक मिनट, तुम्हें लगता है मैं डरता हूं? मैं किसी से नहीं डरता। रोहन और शीला भी आपस में बात कर रहे हैं। शीला भूल गई क्या कि रोहन ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया था? राजी, आपको शीला की मदद करनी ही होगी। वो खुद क्यों आग से खेल रही? अब रोहन से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिससे रोहन हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये डायरी, जल्दी आओ। क्या हुआ मॉम? रोहन, काजल की डायरी कहाँ है? डायरी? कौन सी डायरी? काजल को डायरी लिखने की आदत थी, जब वो अकेली होती थी तब वो डायरी लिखती थी। वो हमेशा कहती थी कि जो बातें वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो सारी बातें वो डायरी में लिखती थी। मॉम, ये बात आपको मेरे को पहले बतानी चाहिए थी। वो डायरी गायब कर देता, पता नहीं उसने उस डायरी में क्या क्या लिखा होगा। रोहन पर शीला के प्यार का भूत ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरा खून भी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, काजल की खीर में हीरा रोहन ने ही मिलाया था ताकि वो उसे अपने रास्ते से हटा सके। बिल्कुल सही कहा तुमने, और मेरे ख्याल से ये सारे सबूत हमें पुलिस में दे देने चाहिए। जो तुम पे इल्जाम लगे वो सारे गलत साबित हो जाएंगे।
मैं कल सुबह ये करूंगा और तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा। तुम्हारे लिए क्या लेकर आया? ये तो काजल का नेकलेस है। अच्छा लगा? ब्यूटीफुल। क्या हुआ? तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो अचानक ये बदलाव कैसा? वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है और तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, इसलिए शादी भी मैं तुम्हीं से करूंगी। रोहन, मैंने बहुत सोचा कि एक आदर्श बेटी बनकर दुखी होने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियां हासिल कर लूं और दूसरों की नजर में बुरी बन जाऊं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं तुम्हें अपना लूं। लेकिन तुम्हारे भैया भाभी, तुम्हारी फैमिली, वो सब? उन सब की परवाह करूंगी ना तो दुखी रह जाऊंगी। उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं उनकी फिक्र क्यों करूं? अगर उन्हें मेरी फिक्र होती ना तो वो मेरे लिए तुम जैसा हैंडसम लड़का चुनते। पर वो है कि रोहन, मेरी आंखों में हमेशा एक सपना था कि मैं तुम जैसे हैंडसम लड़के से शादी करूं। देखो रोहन, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सो हुआ, प्यार में सब कुछ सही है और मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारा कि इस बार तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है। रोहन, इस बार हम दोनों मिलकर दुनिया से लड़ेंगे। शीला रोहन जैसे इंसान से शादी करने वाली है, एक खूनी से। मतलब रोहन और शीला दोनों मिले हुए हैं, ये बात पहले क्यों नहीं समझा मैं? शीला इतनी खुदगर्ज होगी, इतना नीचे गिरेगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या बनाओ? विक्रांत जी के लिए कुछ हेल्दी तो बना ही नहीं सकती, कुछ सामान ही नहीं है, उनके पसंद का भी कुछ नहीं बना सकते। हे भगवान, जिंदगी हमेशा ऐसी हो, विक्रांत जी हर पल साथ हो। अब हमें घर की तलाशी लेने से नहीं रोक सकते मिस्टर राज। तो आपको लगता है कि हमने विक्रांत और सरिता को अंदर छुपा रखा? फिर क्या वजह है, क्यों रोक रहे हैं हमें? अगर आप सलीके से बात करते ना तो हम एक बार आपको घर के अंदर आने भी देते, लेकिन इतना कानून तो हम भी जानते हैं इंस्पेक्टर के बिना सर्च वारंट आप किसी के भी घर की तलाशी नहीं ले सकते। एक बात याद रखना मिस्टर राज, अगर वो दोनों इस घर में मिले तो मैं सबसे पहले तुमको अंदर करूंगा, क्योंकि गुनहगार की मदद करना खुद एक गुनाह है, याद रखना ये। जानता।
अगर वो दोनों यहां मेरे घर में मिले तो मैं खुद चल के आपकी जीप में बैठ जाऊंगा, लेकिन तलाशी तो बिना सर्च वारंट के नहीं हो सकती। तो अब जाइए और वारंट लेके। राज बेटा, वो दोनों तो है ना जहां पे, तो लेने देना इनको तलाशी। अरे इनकी तलाशी से कौन सी हमारी पकड़ी उछली जा रही है। नहीं बाबूजी, समाज में आपकी इज्जत है, नाम है, और किसी को भी फौंस जमा के मैं अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। ये सर्च वारंट ले आए और हक से तलाशी ले लें। साहब, विक्रांत जी इतना बड़ा आदमी है, भला हमारे घर में क्यों छुपेगा वो आके? किसी भी बड़े होटल में कमरा लेके सालों तक रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम सबके बर्ताव से ऐसा लगता है कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं। और किसी भी तो नहीं, लेकिन मेरा शक इस पर है। इसकी बातों से लग रहा है कि बहुत सारे राज छुपा रहा है ये। डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, झूठ ना बोलता। इंस्पेक्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, इस घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग, मेरी बात का तो यकीन मानी। सरिता इस घर में नहीं है, और अगर होती भी तो हम सबसे पहले आपको बताते। ठीक है, मैं आप सब लोगों की बातों पर भरोसा करता हूं। देखिए, ये आप सब लोग से निवेदन है, अगर वो दोनों यहां आते हैं या आप लोगों को दिखते हैं तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक। बेगुनाह साबित करने में कामयाब नहीं हुई तो, अगर मुझे अपने बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ी तो मैं विक्रांत जी के बिना कैसे जी पाऊंगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा सरिता, और रही बात हम दोनों की, हमें कोई जुदा नहीं करेगा, कभी नहीं, न इस जन्म में न किसी और जन्म में। विक्रांत, आपको कोई सबूत मिला है? सबूत ही नहीं दिव्या, पूरी कहानी। यह खून किसने किया, कौन कौन जिम्मेदार है, और इस खून की असली वजह क्या है? कौन है असली खूनी? तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी जब सच जानोगी। एक तो रोहन है, लेकिन रोहन के साथ और कौन शामिल है? रोहन और शीला। क्या? शीला? हाँ, काजल के खून के पीछे रोहन और शीला जिम्मेदार है। मैं जानता हूं मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको बुरा लगेगा, लेकिन उन दोनों को अब सजा दिलाना मेरा काम है। सरिता पर उनका झूठा इल्जाम लगा है, उन दोनों की वजह से। रोहन मेरा रिश्तेदार है, शीला राज की बहन है, ये मैं जानता हूं। सरिता भी शीला को अपनी बहन ही मानती है। अगर हम रोहन को नहीं माफ कर सकते तो शीला को भी माफ नहीं कर सकते। उन दोनों को बराबर की सजा मिलेगी। खान जी, देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आधे अधूरे सच के बिना पर किसी को नहीं। सरिता, ये कोई आधा अधूरा सच नहीं है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कानों से सुना, बस वही कह रहा हूं मैं। शीला इस घर की बेटी है, वो इस हद तक नहीं गिर सकती, किसी का खून नहीं कर सकती वो। कौन किस घर का बेटा है या बेटी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो सच है वो सच है, और सच ये है
कि रोहन और शीला दोनों इस खून के कांड में शामिल है। क्या कहा आपने? मेरी बात शांति से सुनो राज। शांति से सुन रहा हूं। शीला के लिए आपने अभी अभी क्या कहा? मैंने वही कहा जो सच है। रोहन और शीला दोनों काजल के खून के जिम्मेदार हैं।